अब जब तक कैमरा ऑन हो रहा है तब तक आप लिख लो, है ना। लिखिए सेकंड यूज, यूज नंबर टू, इन फ्रेशर टेक्निक, इन फ्रेशर टेक्निक टू डिटेक्ट द मैकेनिज्म to detect the mechanism of given reaction, to detect the mechanism of given reaction or process. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या आपकी हमारी बॉडी में किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म का, कि कौन सी रिएक्शन किस रास्ते के थ्रू होती है, कौन कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं, उसकी स्टडी हम किसके थ्रू करते हैं, D2O के थ्रू, हैवी वाटर के थ्रू। ठीक, अब आप लिखिए, नए आर्टिकल को हम शुरू करने जा रहे हैं, उस आर्टिकल अपने नोट्स कॉपी में देखिएगा, उसमें क्या कहते हैं एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए और वहां हेडिंग डालें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, चेक करिए है कि नहीं। यस यस सर। हाँ ठीक है भैया, साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ते जाए, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर लिखिए, एनसीईआरटी में देखिए टोटल कितने कितने पेज का टॉपिक है ये हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। दो पेज का है। ओके बेटा, एनसीईआरटी जो बच्चे स्टडी नहीं कर रहे हैं उनका सिलेक्शन बड़ा मुश्किल होगा, चाहे वो जेई मेंस का पेपर हो चाहे वो नीट का पेपर हो। देखो ये जो, अच्छा ये बताना, ये टॉपिक तुमने उसमें पढ़ा था क्या चूरन क्लासों में? तो फिर मैं नहीं पढ़ाऊं फिर सर, याद नहीं है कुछ भी। अरे यार अब 9 10 की किताबें पढ़ा दीजिए सर। अरे यार चलिए 9 की पढ़ा था, 9 10 वाले टॉपिक तो पढ़ ले यार तुम। सर ये सब नहीं है ना, कैलगंस में था, क्लार्क्स में था, सर इतना लगता नहीं था। तो फाइनल बताओ पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं? पढ़ा सर, हम लोगों ने बस ऊपर ऊपर से पढ़ा है, ये होता क्या है बस इतना पता है। ठीक है, सॉफ्ट वाटर, जिस पानी से साबुन झाग बना ले वो सादा पानी सॉफ्ट वाटर, और जब झाग ना बने वो खारा पानी यानी कि हार्ड वाटर। लिखिए, अ वाटर इज सेड टू बी सॉफ्ट, अ वाटर इज सेड टू बी सॉफ्ट इफ it forms leather, if it forms leather with soap, while hard water does not form leather with soap solution. लिख लिया भाई, हेडिंग डाले यस सर, कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वॉटर, कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वॉटर, पानी की हार्डनेस किस वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स। हाँ बताओ बताओ, मैं तुम्हारे इंतजार करता हूँ, तुमने टाइम टाइम का। कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स। कॉज प्लीज मूव द विंडो अवे फ्रॉम द शेड एप्लीकेशन, ठीक है
आवाज आ रही बेटा? यस ठीक है, तुम जब तक गड़बड़ करा तब तक तुम लिखो कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की कठोरता के पीछे क्या रीजन है, कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। सर कैमरा काम कर रहा है आपका? हाँ कैमरा काम कर रहा है। एक्चुअली मैंने जो भी रीजन डिस्कवर किया ना, मैंने ये रीजन डिस्कवर किया कि जो फाइल पिछली में जो पिछली वाली क्लास थी वो साइमल्टेनियसली सेव भी हो रही होगी, तो वो उसकी रैम खा जाता होगा पूरी, इसलिए ये कवर कर रहा है। देखो द हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। आगे लिखिए हार्ड वाटर डज नॉट फॉर्म लेदर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट विथ सोप सॉल्यूशन। कैल्शियम आयन को आपने मतलब जैसे ये कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन है जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट है, और आपने किसी साबुन का इस्तेमाल किया, घड़ी, लक्स, नीमा रोज, जिस टाइप की आपकी श्रद्धा सुमन हो उस टाइप का आपने साबुन लिया, और जैसे मैंने बतौर एग्जाम्पल एक लक्स लिख दिया है, ये पानी जिसमें कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है, ये साबुन, साबुन का पानी जैसे ही इनके कांटेक्ट में आएगा तो बनाएगा प्रेसिपिटेट, झाग बनने की बजाय प्रेसिपिटेट बन जाता है। और प्रेसिपिटेट बनने के कारण आप प्रॉपरली नहा नहीं सकते। अब जैसे कोई बच्चा आज तक किसी खारे पानी के सैंपल से नहाया है? अच्छा खारे पानी से नहाने से क्या हो जाता है जरा बताओ। जैसे आपके सामने स्किन खराब से हो जाती है सर। अरे फ्लेकी फ्लेकी, आपके सामने ये बच्चा है बड़ा खुश है, पिछली दीपावली के बाद अब होली पे नहाएगा, बहुत ही खुश है, बेहद खुश। इसके सर पे जो चार बाल हैं आप देखें जरा ध्यान से, ये देखिए ये इसकी स्टाइल है बालों की, और बड़ा खुश है, कह रहा है कि गरम गरम पानी से नहाना चाहिए, गरम गरम पानी से नहाना चाहिए साल में एक बार। अब इसके घर में हार्ड वाटर आता है और दुर्भाग्य से शैम्पू की व्यवस्था भी उस वक्त नहीं है, कपड़े धोने का साबुन भी नहीं है उस वक्त। उस वक्त सिर्फ इसके घर में कौन सा साबुन रखा है, घड़ी डिटर्जेंट, जिससे ये नहाने का प्रयास कर रहा है, ये लक्स ले लो चलो। जैसे ही ये नहाया ये जेठा लाल हो गया, जो सर पे बाल थे वो ऐसे बन जाएंगे,
मतलब इसके घर में जो एयरटेल का टावर लगा है उसकी भी जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये कि इसके सर पर प्रेसिपिटेट बनने के कारण जो ये एंटीना होंगे वो कैसे हो जाएंगे, वेरी हार्ड। और एक बच्चा बता ही रहा था कि स्किन इनकी कैसी हो जाएगी, टफ हो जाएगी, वैसी हो जाएगी ओमपुरी जैसी। ओमपुरी सर थे ना, ओमपुरी सर मट्टी, ओमपुरी सर ना बिल्कुल मट्टी। यस ओमपुरी जानते बेटा? हां सर, हां सर, बिल्कुल मट्टी जैसे हो जाएंगे। लिखे सर ये रिएक्शन कैसे हुआ था CA++ जो था C17H35COONA? हाँ मतलब रिएक्शन कैसे होता है? नहीं मतलब सर कैल्शियम ने सोडियम को रिप्लेस कर दिया। नहीं ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है बेटा, ये सिंपल एक्सचेंज रिएक्शन है जिसमें ये सॉल्ट है। आप इसको रिडॉक्स ना गए जिससे कि ऐसा आपके दिमाग में कंफ्यूजन हुआ कि कैल्शियम आयन रिप्लेस कर रहा है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन है ये, तो आयनिक बॉन्ड है, सोडियम पानी में पड़ा होगा है ना, और ये नेगेटिव आयन जब इस पॉजिटिव आयन के कॉन्टेक्ट में आएगा तो कैल्शियम स्टीयरेट बना लेगा, और कैल्शियम स्टीयरेट बनने के कारण प्रेसिपिटेट बन जाता है, क्योंकि पानी में कैसा होता है, इनसॉल्युबल। सोडियम आयन ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता क्या? ज्यादा रिएक्टिव होते ना तो यहाँ रिएक्टिविटी का प्रश्न नहीं है, because it is not a redox reaction. पानी के सैंपल में ये दोनों अलग अलग प्रेजेंट है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। तो आप कुछ ऐसा ना सोचे कि कैल्शियम आयन इज गोइंग टू डिस्प्लेस सोडियम आयन, इट मींस कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ सोडियम, इज इट? ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कोई किसी को वो नहीं कर रहा है, रिप्लेस नहीं कर रहा है, कोई किसी को उससे पावरफुल नहीं है। सिंपल, जब आप साबुन को पानी में घोलेंगे तो साबुन पानी में जाकर ऐसे ब्रेक हो जाता है, ऐसे, ये अलग है, ये अलग है। अगर सिस्टम में कैल्शियम आयन हुए तो ये कैल्शियम आयन इन नेगेटिव आयन को लपक लेते हैं और पीपीटी बन जाता है, ऐसे। कोई किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा। क्लियर हो गया भाई? उसे स्टीयरेट क्या होता है? स्टीयरेट आयन बेटा ये होते हैं, एक सेकंड, कहां गया ये, इतना पार्ट, ये मैं आपको सर्कल कर रहा हूं, ये वाला पार्ट, ये क्या स्टीयरेट आयन। मतलब जब 18 कार्बन होते हैं टोटल तो वो स्टीयरिक एसिड कहलाता है। अच्छा स्टीयरिक, अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए? इसका नाम सोडियम स्टीयरेट। तो साबुन हम घर में यूज करते हैं वो तीन तरह के होते हैं, ओलिएट, पाल्मिटेट और स्टीयरेट, डिपेंड करता है कि हम किस कंपनी का साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर अधिकतर केस में स्टीयरिक ही यूज होता है। सबसे इफेक्टिव वही होता है? हाँ अच्छा यही होता है ह्यूमन के लिए, बाकी तो कुत्ते नहलाने का काम आता है। आइए देखें टाइप ऑफ हार्डनेस। Type of hardness. First, temporary hardness. Temporary hardness. Likho. It is caused due to presence of bicarbonates. It is caused due to presence of bicarbonates of calcium and magnesium. It can be removed
इट कैन बी रिमूव बाय हीटिंग वॉटर. इट कैन बी रिमूव बाय हीटिंग वॉटर. टेम्प्रेरी हार्डनेस वो होती है जिसमें हम पानी को गर्म करके हार्ड से सॉफ्ट बना सकते हैं. देखिए जैसे ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट है, अगर आप इसे हीट करें 15 से 25 मिनट तक तो ये ब्रेक हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, CO2 बाहर निकल जाती है एंड वाटर. इस अच्छा ये दोनों पानी में इंसॉल्युबल होते हैं जिनको छान कर हम अलग कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं. सर एनसीईआरटी के रिएक्शन में मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं दिया हुआ? हाँ लिख लेगा, लेकिन उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया है. हाँ वो उन्होंने जो है बीच में छोड़ दिया होगी रिएक्शन, इसी की हाइड्रोलिसिस करा दी होगी मैग्नीशियम कार्बोनेट की. दिखा रहा उसे दिया सर MgHCO3 वोल्टेज MgOH वोल्टेज. इन्होंने हाँ इन्होंने हाइड्रोलिसिस ही करके छोड़ दी, पूरा नहीं कराया इन्होंने. ये भी लिख लो, हीट करते समय कई वैरायटी क्रिएट होती है ना. ओके सर इसको भी लिख लो बेटा, एनसीईआरटी को MgOH का होल प्राइस प्लस 2CO2. लिखे परमानेंट हार्डनेस इस डेफिनेशन के बाद फिर रिडॉक्स से कुछ क्वेश्चन ले लूंगा. सर क्लार्क मेथड भी तो आता है. हाँ तो आने तो कौन मना कर रहा है. लिखिए सेकंड परमानेंट हार्डनेस. परमानेंट हार्डनेस लिखिए. दिस हार्डनेस इज कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. दिस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर. बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर हार्ड वाटर के सैंपल को आप कैसे सॉफ्ट कर सकते हैं वो डिस्कस करना है. जो आप बता ही रहे थे कि हमारी शायद सेम क्लास में था, फिर भी आप चलो कह रहे हो तो मैं करा दूं. फर्स्ट By boiling, जो आप ऑलरेडी अभी भी सीख चुके हो. Second, Clark method. Clark's method. लिखें. Clark method. ब्रैकेट में लिखना ना भूले. कॉमर्शियल मेथड. कॉमर्शियल मेथड. इन दिस मेथड
लाइम वाटर इज यूज्ड, लाइम वाटर का प्रयोग होता है। जैसे ही आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, अगर आप इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कर सकते हैं आप, बड़ी आसान है, प्रेसिपिटेट प्लस वाटर। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट चलिए करिए फटाफट से। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सबसे सस्ता मेथड है। हाइड्रोक्साइड भी आ सकता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस वाटर। मैं पूछ रहा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी तो आ सकता है हाइड्रोलिसिस में? हाँ बिल्कुल आ सकता है, एनसीईआरटी के हिसाब से। एनसीईआरटी को लिख देता हूँ, लाइए यस सर। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, एनसीईआरटी को साथ साथ लेके चले, अलग अलग कंडीशन में बन सकते हैं। इन्होंने कंडीशन मेंशन की, मैंने ऑर्डिनरी वाटर पे लिया तो उन्होंने बनाया 2CaCO3 प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। तो आप देख पा रहे होंगे टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी ये एक और तरीका है। हाँ जी देखो, अगर तुम्हारे घर में ये समस्या है तो आप पान वाले के पास जाइए और उसे चूना ले आइए। चूना मतलब लाइम, लाइम वाटर, उसको पानी में डिजोल्व कर लीजिए और पान जिस जिस बाल्टी भर के आप पानी से नहा रहे हैं उस बाल्टी में जरा से चूना डाल दीजिए, काम हो जाएगा आपका, इमरजेंसी वाला काम है। सर 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 एक चीज पूछनी थी सर, अगर हम पानी से डीटीओ के वो मॉलिक्यूल्स हटा दें तो सर हमारी ग्रोथ मतलब और ज्यादा हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट होगा ग्रोथ ना? वो डीटीओ से कोई बहुत इनसिग्निफिकेंट फर्क पड़ता है हम पर, मतलब डीटीओ हटा भी से कोई फर्क नहीं है। अच्छा ओके सर। हां दे मेरे से क्लास के बाद एक बार बात कर लेना बेटे। ओके सर। थर्ड, तो आपने देखा टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के दो तरीके, क्लार्क मेथड और गर्म करने वाला। अब लिखिए रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस इट इज डन बाय यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स। It is done by using following methods. First method, by using your direct liquid soda method. Soda method में क्या use करते हैं? Sodium carbonate. मैं कह रहा था अब रिडॉक्स से क्वेश्चन पूछ लो कुछ, यही पढ़ो सर। रिडॉक्स बोरिंग हो गया सर ये। यस सर, रिडॉक्स से निकालो उसके भी कुछ क्वेश्चन निकाल लो। चलो पूछो। एनसीईआरटी बेस का क्वेश्चन 15। मेरे पास बुक नहीं है बेटा, तो मैं खुद ही पढ़ना है।
मेरे पास वो नहीं है, लैपटॉप खुला हुआ। When fluorine reacts with ice, following chemical reaction takes place. फिर से बोलियो। H2O plus. फिर से बोल। When chlorine reacts with ice. Ice. हाँ। H2O plus F2 gives rise to HF plus HOF. The oxidation state of fluorine changes from. हाँ। Zero से minus one, zero से plus one या minus one से zero या plus one से zero। तूने पढ़ा उसमें ये लिखा ना, fluorine से HOF बनना है। हाँ सर, HOF बन रहा है और HF भी बन रहा है। तो ये जीरो हो गई और ये फ्लोरीन माइनस वन हो गई, ये OH पूरा माइनस वन है, पूरा OH माइनस वन मत देना, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है। जीरो से माइनस वन कोई ऑप्शन नहीं है तेरे पास? यस सर, ये पहला ऑप्शन ही है सर। और HOF में अगर तुम देखोगे तो O, ये H और ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो वैसे भी ज्यादा ही होगी। आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का? जीरो टू माइनस वन। अब वैसे भी ना दुनिया का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्वेश्चन है सर, इफ ऑन डिपिंग ए इन B2SO4 the color of the solution changes from colorless to blue. देख सकते हो then A and B respectively है। किसको किसमें डिप किया है? A को B2SO4 में। D2? B2SO. अच्छा B2SO4 ठीक है। अच्छा yes sir। A को B2SO4 में डाला तो blue color आ गया है? Sir colorless to blue हो गया है। Colorless to blue। अब A और B बताना है क्या है? Colorless से blue देखो जहाँ तक मेरा अंदाज़े है शायद cupric ion वाला ही होगा। है ना, तो अगर यहाँ इसका मतलब यहाँ पर कॉपर होगा और यहाँ कोई मोनोवेलेंट केटाइन हो सकता है सिल्वर आयन। देखियो सिल्वर गोल्ड होएगा, वो तो कॉपर से कम रिएक्टिव होना चाहिए। ऑप्शन बोल दो सर, गोल्ड क्यों नहीं होएगा? गोल्ड तो वो है नोबल मेटल पागल, गोल्ड पे कौन अटैक करेगा? सोने पर सिल्वर भी तो सर, लेकिन वही है नोबल मेटल। नहीं नहीं सिल्वर रिएक्शन कर जाता है प्लेटिनम, इरिडियम और क्या कहते हैं गोल्ड, ये सब क्या है नोबल मेटल है, ये तो एक्वेरिजिया पे अटैक से अटैक होते हैं। अच्छा ओके, नीला रंग बेटा किस वजह से आ रहा समझ गया? यस सर, कॉपर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नहीं है, खत्म हो गए सारे सर इस सेक्शन के तो हो गए। हाँ तो पूछते जाओ बेटा जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि तुम बता रहे ज्यादा क्वेश्चन डाउट है नहीं है तो आगे पूछे, खत्म करो सर। अगले का 9th है सर, पढ़ो बेटा 9th। The ratio of number of moles of KMnO4 and K2Cr2O7 required to oxidize 0.1 mole of Sn2+ to Sn+4 in acidic medium. अच्छा वो होगा सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन होगा? नहीं सर, सेक्शन लेवल 2 का सेक्शन ए का 9th क्वेश्चन है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस एंड टाइट्रेशंस। तो तेरे को आया नहीं? नहीं सर ये नहीं आया। तो अब धीरे-धीरे क्वेश्चन पढ़ी है ना, मैं सॉल्व करते जा रहा हूं बेटा बोल। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7। हां ठीक है, किससे रिएक्शन होनी है? Required to oxidize 0.1 mole of Sn+2 and Sn+2 to Sn+4. सुनो मेरी बात ध्यान से, मुझे पिछले साल का तो याद है, इसके क्वेश्चन में करेक्शन था है ना, इस साल पता नहीं उन्होंने करेक्शन कराया नहीं कराया, आई एम नॉट श्योर। मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, और करेक्शन हो तो कर लेना। देख बेटे लाल, मंत्र बताया था क्लास में, तो अभी एक बच्चा बोल रहा था बिल्कुल सही बोल रहा था, ये KMnO4 का मान ले, ये 10 का मान ले, Sn+2 कितने में चेंज हो रहा है? Sn+4 में। Sn+4 नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ये दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, समझ गए? यस सर, ठीक है सर। और देख बेटे लाल, KMnO4 एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज दिखाता है, 5 n फैक्टर है, 5 इलेक्ट्रॉन नंबर यहां से आ गया। K2Cr2O7 में n फैक्टर मैंने 6 बताया, वो देख लियो। हाँ सर बताया ना, छह बताया, हाँ सर
दोनों में रेशो आ गया रेशो क्या आ गया एन वन इंटू फाइव बराबर एन वन इंटू सिक्स ये रेशो आया ना क्वेश्चन नंबर वन और टू को डिवाइड कर दिया मैंने इक्वेशन वन एंड टू को ठीक है रेशो आंसर बता दे क्या आ गया एन ये हो गया सिक्स बाई फाइव आंसर आ रहा है उसमें शायद वीडियो करेक्शन तो नहीं है इसका आंसर 6/5 ही दिया हुआ है 1 ठीक है सर सर एक है सर K3Cl8 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ऊपर ऑक्साइड होगा अभी इसका स्ट्रक्चर दिखा दूं तेरे को ट्रायंगल बना ले सुन K3Cl yes, क्या था K3Cl8 CrO8 है ना ट्रायंगल बनेंगे इसमें और ऑक्साइड लिंकेज वाले ऑक्साइड लिंकेज अभी पहले ये खत्म कर लो पहले ओके सर एक क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन रुको रुको KCl एक सेकंड बेटा ये खत्म हो गया तुम्हारा सर एक मिनट सर बस ओ मैंने डिलीट कर दिया अच्छा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा 9 के बाद 11 तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था हां ठीक है भेज दो ग्रुप पर प्लीज भेज दो ग्रुप पर 9 के बाद 6 वाला तो 6 वाला पढ़ो बेटा When benzaldehyde is oxidized to give benzoic acid, then the oxidation state of carbon of aldehyde group is changed from aldehyde. बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है? आंसर मैंने बोर्ड पे लिख दिया है. ये benzaldehyde है, ये benzoic acid है. कुल मिलाकर देखिए कि क्या चीज का किस चीज का एडिशन हुआ होगा देख लीजिए ध्यान से. एक ऑक्सीजन ऐड हुआ होगा ना माइनस टू वाला यहां से यहां तक में क्या चेंज है आंसर चेक करो आंसर बताएं बेटा जल्दी से आवाज नहीं आ रही क्या बेटे सर इसका आंसर +1 to +3 नहीं पूछा किसका ऑक्सीडेशन नंबर है कार्बन का चेंज पूछ है चेंज पूछ रहा है कार्बन चेंज पूछ रहा है चेंज पूछा कार्बन ऑप्शन बताओ उसी फॉर्मेट में आंसर दूंगा सर एल्डिहाइड ग्रुप वाला कार्बन अच्छा लिखा है एल्डिहाइड ग्रुप वाला यस हां जी सर लिखा हुआ है यस सर ठीक है बेटा चलो देखो तुम खुद निकालो ये देखो ये माइनस का 2 ये प्लस का 1 ये तो सारे कार्बन ही कार्बन है छोड़ो ने ये माइनस का 2 ये प्लस का 1 तो इस पर रिजल्टिंग प्लस का 1 आएगा ना यस सर यस सर आ जाओ बेटा दूसरी साइड आ जाओ इस कार्बन का निकालना है ये माइनस का 2 और इस पूरे पे माइनस का 1 टोटल माइनस का 1 जाएगा प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 मैंने वही मैंने कहा था ना 2 का चेंज आएगा बेटा अभी कहा था ना मैंने आपसे 2 का चेंज आएगा यस अब देखो बेटा क्लास खत्म होने में 5 मिनट का वक्त है जो मैंने अभी होमवर्क दिया पहले वो करो अभी सर सर K3CrO8 का स्ट्रक्चर भी बता दीजिए वो कल बिल्कुल यस सर पूरा डिटेल बताओ परऑक्साइड लिंकेज और सर CrO6 सब बता दूंगा बेटा है ना CrO6 वगैरह सब बता दूंगा अभी जो मैंने होमवर्क दिया क्वेश्चन है अब क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे कल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नहीं नहीं ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपने कल कहा था ना कि हम ऑर्गेनिक में कभी ऐसे नहीं करते इस मेथड से Yes, आपको एक्चुअली बेटे स्पेसिफाई किया गया था एल्डिहाइड कार्बन और मैंने तो वैसे भी नहीं पकड़ा था मैं तो देखो डायरेक्ट समझ गया था जैसे ही उसने कहा कि हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे कहा ना उसने बेटा देखो यहाँ एक ऑक्सीजन था यहाँ दो ऑक्सीजन हो गए तभी मैं समझ गया था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब माइनस दो बढ़ता मतलब दो का चेंज आएगा ऑक्सीडेशन तो सर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं दिया होता तब हम ऐसे नहीं करते ना प्लस वन और प्लस थ्री कॉमन ऑक्सीडाइज होता है ना जिससे मान लो ये होता है ये C6H5 है तो कार्बन कार्बन है सारे इनसे तो फर्क पड़ता नहीं कोई ना तो जैसे मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल और दूं मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं एल्कोहल देता एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाता एल्डिहाइड से एसिड बनाता ऑक्सीजन बढ़ाता जाता दो दो का चेंज करता जाता ये ऑर्गेनिक में आएगा ना सर हां पूरी ऑर्गेनिक में आएगी बेटा ये सब चीजें चलो करो जल्दी से करो फटाफट से पता है ना क्या करना है
कोई वैल्यूज नोट नहीं करना है ना, सिर्फ डायरेक्ट करना। और कल हाइड्रोजन वाला चैप्टर काफी हद तक कंप्लीशन पे आएगा, तो आप तैयारी करके रख लेना याद करके सुनाने की। कल से डेली सुनना शुरू कर दूंगा थोड़ा थोड़ा। Bye, sir. Thank you, sir.